हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबाना जेकब। जब से बीआरपी के बंद होने की, एक्सपायर होने की न्यूज़ आई है, ई वीज़ा आ रहा है, क्या बनेगा इमिग्रेंट्स का, बीआरपी होल्डर क्या करेंगे, ये सुन सुन के एक तो वैसे घबराहट होती रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या स्टेटस आएगा। और बीआरपी जो है वो इस साल 2024 31 को जो है दिसंबर को ये बंद हो जाएंगे, तो हमारा क्या स्टेटस होगा, ये सोच सोच के जून आ गया था। और जून में मैंने फिर अप्लाई किया कि फाइनली मुझे भी देख लेना चाहिए कि क्या होता है। खैर, मैंने क्या किया कि मैंने gov.uk वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, देखा, क्योंकि हर चीज़ जो है सारी इंस्ट्रक्शंस उसी तरफ लेकर जा रही थी कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। और जब अकाउंट क्रिएट किया तो वो बहुत ही स्मूथ सारा एप्लीकेशन प्रोसेस हुई, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सारी वेरिफिकेशन, अच्छी खासी वेरिफिकेशन लेने के बाद उन्होंने एक मुझे रेफरेंस नंबर दे दिया। रेफरेंस नंबर देने के बाद उन्होंने कहा कि अब आपको वेट करना होगा। फिर रोज़ चेक करती थी, रोज़ उस लिंक पे जाके अप्लाई करती थी, देखती थी कि क्या स्टेटस आया है, और एकदम से घबराहट होती रहती थी कि क्या होने वाला है। लेकिन फाइनली फाइनली कल मेरा स्टेटस अपडेट हो गया, और लेट्स सी कि मुझे क्या मिला और मेरे ई वीज़ा पे क्या लिखा हुआ था। अच्छा गाइस, उसमें ये कहा गया था कि जब आपका स्टेटस रेडी हो जाएगा तो आपको ईमेल आ जाएगी। और शायद मैं बहुत जल्दी में थी, मैं डेली चेक करती थी, और कल मॉर्निंग तक तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ हुआ था। लेकिन कल आफ्टरनून में, इनफैक्ट मैंने 3 से 4 बजे के करीब चेक किया था, तो मेरा स्टेटस अपडेट हुआ हुआ था। इसको कहते हैं इमिग्रेशन स्टेटस, ठीक है। और वहाँ पे जो मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस करते वक्त जो चीज़ें अप्लाई की थी, मैंने वहाँ पे अपनी जो डिटेल्स प्रोवाइड की हुई थी, और डेफिनेटली वो करेक्ट होनी चाहिए। फिर आपका बीआरपी, आपका पासपोर्ट भी उसमें स्कैन होता है, फिर आपको आपकी पिक्चर होती है, वो लाइव पिक्चर होनी चाहिए, वो सब जो है वो सेम अपडेटेड था। और उसमें मेरा ई वीज़ा था कि मैं यहाँ कब तक रह सकती हूँ, मेरा यहाँ पे क्या स्टेटस है, मैं एज अ पार्टनर आई हूँ या एज अ स्टूडेंट आई हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकती हूँ और मैं यहाँ पे क्या क्या नहीं कर सकती, तो वो सारी चीज़ें अपडेटेड थी। तो ये बेसिकली मेरे केस में मुझे कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई, या शायद मैंने ईमेल रिसीव होने से पहले ही जो है वो चेक करना शुरू कर दिया था, या शायद उन्होंने पहले स्टेटस अपडेट कर दिया, या ईमेल मुझे कुछ दिनों के बाद आएगी। एनीवेज, मेरा स्टेटस अपडेट हो चुका है, और अब मैं आपसे तमाम प्रोसेस शेयर करूंगी कि किस किस तरीके से मैंने अप्लाई किया था, कैसे कैसे मैंने जो है वो वेबसाइट पे जाकर किन किन चीज़ों को फॉलो किया था। क्योंकि मैं बेसिकली आपको उस वक्त अप्लाई, मैं ये वीडियो उस वक्त बनाना चाहती थी जब मेरा ई वीज़ा आ जाना था, और मैं ये चाहती थी कि कंप्लीट जो मेरा प्रोसेस है उसके, मेरे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूँ। तो अभी देख लेते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से अप्लाई किया था। gov.uk वेबसाइट पे गेट एक्सेस टू योर ई वीज़ा की ऑप्शन में चले जाना है। वहाँ पे आपको देंगी स्टार्ट की ऑप्शन। ये बहुत जल्दी जल्दी वीडियो शूट हो रही है, ये आप देखते जाएं कि किस किस तरीके से मैंने इसको फॉलो किया था। बीआरपी के थ्रू मैंने बेसिकली अप्लाई किया था, और मैंने पासपोर्ट यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पासपोर्ट बहुत दूर पड़ा हुआ था, ढूंढने वाला था, तो मैंने इसे बीआरपी के थ्रू ही अप्लाई किया था। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, आप देखते जाएं, इसको फॉलो करते जाएं। अपने नेम, सर नेम, मिडल नेम बहुत आपने अच्छे से केयरफुली मैंशन करने हैं। बीआरपी का नंबर जो है वो केयरफुली मैंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बीआरपी की एक्सपायरी आपने जो है वो करेक्टली मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। मैंने इसको ऑपरेट किया था बेसिकली, अभी जो मैं बना रही हूँ तो वो डेफिनेटली मेरा ऑलरेडी अकाउंट जनरेटेड है, लेकिन अब मैं सिर्फ इसको उस ऑप्शन तक जा रही हूँ। मेरे नंबर्स वगैरह, ईमेल एड्रेस भी ऑलरेडी अपडेटेड हैं, लेकिन अगर डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये आपके अपडेटेड नहीं होंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, ये एप्लीकेशन आईडी चेक जो है वो बहुत डिफरेंट प्रोसेस है, इसको आपने केयरफुली करना है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ये पर्पल कलर की यूके इमिग्रेशन आईडी चेक जो है एप्लीकेशन है, मैंने स्क्रीनशॉट्स दूसरे फ़ोन से ले लिए थे। इसके बाद वो क्यूआर कोड आपकी एप्लीकेशन में है, वो आपको प्रोवाइड करना है। सो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अब आई थिंक कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है बीआरपी होल्डर्स को। अब जो है हमारा वीज़ा कंफर्म हो गया है, और ई वीज़ा के थ्रू ही हम जो है वो तमाम, यहाँ पे हमारा सर्वाइवल होगा, हर चीज़ हम यहाँ पे
जो है वो चेक कर सकेंगे, हर चीज हम ले सकेंगे। बीआरपी जो है वो डेफिनेटली 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते कर दिया करें, बिकॉज ये एक मोटिवेशन होती है मेरे लिए कि मैं कैसा काम कर रही हूँ, और आई फील मोटिवेटेड जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक